एक दूजे के वास्ते। बचाओ, हाथ किसने पकड़ा है? डरा क्यों रहे हो? और ये चिल्लाया कौन? क्यों बात नहीं मान सकते तुम मेरी? जब मैंने कहा कि मुझे प्यार नहीं है तो क्यों अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हो श्रवण? मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए, वापस जाऊं। अरे भूत भूत नहीं, बंटी बंटी, आंखें तो खोल ले। बंटी, डरा दिया। उस दीवार तक कब तक पहुंचेंगे? माया दीदी के होते हुए तो हमें नहीं लग रहा कि पहुंच भी पाएंगे। बंटी, कंधे से हाथ हटाओ। है? हाथ? हमारे तो दोनों हाथ हमारे पास है। कंधे पे हाथ तुम्हारा नहीं है? नहीं। क्या हुआ? अभी तुम लोग चिल्लाए थे। हाँ, हाँ। अरे जैसे तैसे ना जान बचा के भागे किसी तरह। हुआ क्या सुमन? सच्ची में ये भूत महल है? किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। माया जी के भूत ने ना इसका हाथ पकड़ लिया था। प्लीज यार, बाकी सब लोग कहाँ हैं? पता नहीं, सच में हमसे बहुत आगे निकल गए थे। सब तो पागल समझते ना बंटी मियाँ को। हम कह रहे थे मत जाओ, अब पढ़ो हनुमान चालीसा और बजाओ घंटी। लो अब तो अंधेरा भी होने लग रही है, टेम भी हो गया है। अब भी टेम है, चलो सब निकलते चलते। बंटी, तू यही है? मैं तो यार थोड़ा चिल करने रुक गया था। मुझे लगा तेरे जैसा फट्टू तो अब तक निकल लिया होगा। क्या हुआ? तेरी इतनी बेईमानी के बाद भी यहां खड़ा हूं, देखकर बुरा लग रहा है ना तुझे? वो दीवार देख रहा है? उस पर चलकर हमें उस तरफ जाना है। हाँ, मगर दीवार ना थोड़ी कच्ची है तो पैर संभल कर रखना। लेकिन इतने भी ज्यादा संभल कर नहीं कि बैलेंस ही छूट जाए, क्योंकि अगर वहां से नीचे गिरा ना तो फिर बचेगा नहीं। सोच ले, मौका है तेरे पास। चैलेंज बंद करें? तू मेरी चिंता मत कर, ये चैलेंज तुम्हें पूरा करके रहूंगा, फिर चाहे तू शामिल हो या ना हो, समझा? बाय बाय लूजर। अबे पुच्छल, बेईमानी से जीतना है क्या? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आई एम सॉरी, पर प्लीज मेरा हाथ पकड़ लोगे? पिछली बार पकड़ा था तो तुम काटने को दौड़ी थी।
प्लीज। इसके साथ मेरा डर भी कम हो। श्रवण और अनीश पता नहीं कहाँ चले गए। छत पे गए होंगे चैलेंज के लिए। हाँ। वो रही सीढ़ियाँ। जय बजरंग बली बचा लियो, जय बजरंग बली बचा लियो। पता नहीं लड़के ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। ये आवाज क्या थी सुमन? रात हो गई है ना। भूत, भूत, भूत। बंटी, वो आदित्य और कंचा है। खून, ये खून कैसे? उसे यहाँ ले क्या? मैं फर्स्ट एड बॉक्स निकालती हूँ। वीडियो से गिर गया था, इसका फर्स्ट एड करो या डॉक्टर के पास ले चलो। पता नहीं क्या करे सुमन, पता नहीं कुछ उड़ के आया और डर के गिर गया। ये डरावने की तो पता नहीं, पर ये जगह बहुत खतरनाक है। श्रवण के लिए डर लग रहा है। क्यों? श्रवण के लिए डर? वो अनीश ने कहा था चैलेंज में श्रवण से आगे निकल जाएगा और दीवार से दो ईंटें गिरा देगा। अगर अंधेरे में श्रवण को गड्ढे ने दिखाई दिए तो? अबे साले, यहाँ हम तुम्हारी पट्टियां लगा रही है और तुम वो उसको अकेला छोड़कर आ गई, तो हमें ही जाना पड़ेगा वहां। तुम रुको, मैं जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं सुमन, ये किला बहुत अनसेफ है। तू टेंशन मत ले कंचा, कोई भूत-भूत नहीं होते। मैं टॉर्च के हिसाब से नहीं सुमन, ये किला, ये इमारत बहुत वीक है, पता नहीं कहां पैर लगे। मैं संभाल लूंगी। नीचे मत देखना, ऊंचाई देखकर डर जाएगा। अबे तू अपना देखना, तू मेरे जैसे नहीं भाग पाएगा फट्टू, कट ले यहां से। श्रवण, आगे मत बढ़ना। अनीश ने बीच में से ईंटे निकाल दिए, तुम्हारा बैलेंस बिगड़ सकता है, तुम गिर सकते हो। क्या सोच रहा है? वापस जाने की सोच रहा है? एक काम कर, तू चला ही जा। क्या होगा, बस एक बैटी तो हारेगा। वैसे भी जीतने वाला तो मैं। इस बैट से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है, ये बैट तो मैं ही जीत के दिखाऊंगा। पागल मत बनो श्रवण, कोई भी स्टूपिड बैट तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती। एक हद तुम नीचे गिर गए तो तुम्हें बहुत चोट आ सकती है। बैट स्टूपिड नहीं है सुमो, आई एम सॉरी। देखो श्रवण, आदित्य को भी चोट आई है, बट्टी घबराया हुआ है। तुम प्लीज नीचे जाओ, ये मत करो। अब इतना क्या सोच रहा है फट्टू? गिव अप बोल और घर जाकर अपनी मम्मी के पल्लू से आंसू पोंछ ले। अब देख, तुझे तो मैं रुलाता हूँ। श्रवण, अगर तुम आगे बढ़े ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सुमो? मुझे कुछ हुआ तो मेरी प्रॉब्लम है ना, तुम्हें क्या? मैं बोलता हूँ किसी को, पर तुम नीचे उतरो सुमन, दीवार कच्ची है, ज्यादा देर तक दो लोगों का वेट नहीं ले पाएगी। सुमो, अनीश सही कह रहा, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें ऐसे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं श्रवण। नहीं सुमो, मेरी बात सुनो, दीवार कमजोर है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने सकता। श्रवण, तुम मुझे अपना हाथ दो प्लीज।
अच्छा एक काम करते हैं, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा अल्पने तक, प्रॉमिस यार। अनीश, सुमन और श्रवण कहाँ हैं? गाइस, श्रवण मुश्किल में, सुमन उसके साथ है, पर हेल्प बुलानी पड़ेगी। साले, तुमको था ना, हम छोड़ेंगे नहीं। पहले श्रवण को बचा ले। आदित, मेरा फोन दे। बाहर में जाओ तुम। बंटी, तुम यहाँ संभाल, भरोसा रख मुझ पर। हेलो हेलो, इमरजेंसी। श्रवण, प्लीज मुझे पे हाथ दो। नहीं श्रवण, देखो ज्यादा टाइम नहीं है, जो कह रही हो करो, प्लीज हाथ दो मुझे। नहीं मतलब नहीं ना, तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता मैं। श्रवण श्रवण, प्लीज देखो मुझे, प्लीज देखो मुझे, मुझ पे विश्वास कर सकते हो? मुझ पे विश्वास नहीं कर सकते, मेरी कोई बात नहीं मान सकते, तो तुम कर क्या सकते हो मेरे लिए श्रवण? क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? ठीक तो ना? चलो यास। Thank God यार, तू ठीक है ना? अब तुम ठीक हो ना सुमन? सॉरी यार, वो नीचे कैक्टस के प्लांट्स के बारे में मालूम नहीं था मुझे। कॉन्ग्रेट्स यार, आखिर तू बेट जीत ही गया। रियली? तो तुम्हारे लिए जीतने हारने और जीने मरने में कोई फर्क ही नहीं अनीश? और एक बार भी तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी फैमिली और अपनों का क्या होता? इतनी बड़ी ईगो है, अगर हार भी जाते तो क्या हो जाता? ऐसी क्या बैठी कि जीतना इतना जरूरी था? बोलो, तू ही बोल। मैं शायद जीत गया ना, तो उस बारे में कोई बकवास नहीं। तू जा यहां से। बिल्कुल सही किया तुमने उस पुच्छल के साथ, उसके तो ना कान के नीचे। उससे ज्यादा बड़ी गलती तुम्हारी है श्रवण। मैंने तुम्हें कहा था कि रुक जाओ, आगे खतरा है, और तुमने क्या किया? मेरी बात सुना तो दूर, तुमने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं खतरे में हूं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा श्रवण। अपनी आंखों के सामने तुम छोड़ दोगे मुझे मरने की? नहीं छोड़ूंगा, अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाऊंगा तुम्हें, बार बार बचाऊंगा, हर बार बचाऊंगा। और तुम मुझसे क्या पूछ रही हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? अरे जी नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि प्यार करता हूं तुमसे। तुम मुझे जवाब दो, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ा? तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ा कि तुमने मेरे लिए, सुमन तिवारी ने श्रवण मल्होत्रा के लिए अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचे बिना अपनी जान दांव पे लगा दी? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने
उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने बस वही किया। वाह, सुमन तिवारी भाग रही है, पीठ दिखा के भाग रही है, और भी बिना जवाब दिए। तुम तो ऐसे ही नहीं थी ना सुमो, मुझे जवाब दो, जवाब दो, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ा? तुम्हें पता था ना किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो क्यों रुकी रही वहां? हर वक्त तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी, जवाब दो मुझे, तुमने अपनी जान दांव पे क्यों लगाई मेरे लिए, बोलो। माफ कर दो, गलती हो गई, आदत पड़ चुकी है ना मुझे तुम्हें हर चीज से बचाने की, और बदले में तुमने मुझे सिर्फ हर्ट किया है, रुलाया है। तंग आ चुकी हूं मैं तुमसे, काश हम कभी मिले ही नहीं होते। बस जबरदस्ती की 8-10 दिन निकल जाए ना शवन, उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। मैं तुम्हें हर्ट करता हूं, मैं रुलाता हूं तुम्हें, तुम सच में मेरी शक्ल? तो ठीक है फिर, अभी से इसी मिनट से नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी शक्ल, तुम्हें मुझे कभी भी एक पल के लिए नहीं देखना पड़ेगा। हम दोनों हमेशा ऐसे साथ चले, बाबूजी की बातें मेरे लिए मायने रखती हैं, पर उतनी ही तुम्हारी बातें भी मेरे लिए। मैं मायने रखती हूँ आपके लिए सबसे ज्यादा। मैं तुम्हें मायके इसलिए नहीं लेने आया ताकि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए और फिर हम दोनों आराम से ठंडे दिमाग से इंदौर की बात कर सके। मैं वापस इसलिए आई कि मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। मायके में सब ठीक है ना? तुम तो ठीक हो ना? सच? मतलब हम दोनों, मतलब मैं बाप, हमारा बच्चा, इतनी बड़ी खबर ये तो पहले बतानी चाहिए थी ना, और फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? वो मुझे लगा कि आपको इतना काम है इंदौर जाना, ये सब कैसे मैनेज होगा? बेवकूफ हो, I mean, I'm sorry, इतनी बड़ी खबर है, चलो सबको बताते हैं। अरे ऐसे अभी? कंचन बड़ी हो गई है रमेश जी, पता नहीं उसे कैसा लगेगा। कोई बात नहीं, अच्छा सा मौका देखकर उसको बता देंगे, और होने वाली मां को अब जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो तुम मार ही डालो हमें। जो बाइक निकल, गाइस चलो यहां से जल्दी, कोई आ गया तो फंस जाएंगे। चलो सुमन, क्या हालत बना रखी है तूने अपनी, क्या हुआ कुछ तो बता बहन। गाइस चलो निकलो सब जल्दी। सुमन चल, ये
मैं जवाब क्यों नहीं दे पाई, उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाई? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.